नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें मैं आपको अनुसूचियों के बारे में एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको कोई भी अनुसूची याद नहीं करनी पड़ेगी। बस ये ट्रिक आप याद कर लेना, सारी अनुसूचियाँ आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस अनुसूचियों की ट्रिक को जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखते चलना, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रिक आप लोगों के सामने लिखी हुई है। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। सिर्फ ये एक लाइन आपको याद करनी है और आपको 12 अनुसूचियाँ अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पहली अनुसूची। तो देखिए, पहला जो S बना हुआ है आपका, उससे आपकी पहली अनुसूची निकल कर आती है और वो हो जाएगी स्टेट, जिसमें राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अगले S से देखते हैं, तो इस S से आपका हो जाएगा सैलरी, जो कि आपकी दूसरी अनुसूची में आती है और ये आती है वेतन के अंतर्गत। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची आपकी हो जाएगी जिसका दिया गया है ओथ और इसका मतलब होता है शपथ। अब बढ़ते हैं चौथी अनुसूची की तरफ, तो फोर्थ अनुसूची जो आपकी है वो निकलती है R से और इसका मतलब हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा में सीटों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा। अब बढ़ते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ, जो आपकी है SC से संबंधित। तो पांचवी सूची में आपका वर्णन है SC ST के प्रशासन का। अब देखते हैं अगली अनुसूची जो निकलती है हमारी ज से। देखिए, छठी अनुसूची है आपकी, उसमें बताया गया है जनजातियों के बारे में और ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके वर्णन किया गया है अनुसूची 6 में। तो अब देखते हैं अगली अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची जो आपकी है वो निकल के आती है 7 से। और देखिए, सूचियाँ जो आती हैं वो सूचियाँ होती हैं आपकी 3। पहली हो जाएगी संघ सूची अथवा केंद्र सूची भी कहते हैं इसे, दूसरी हो जाएगी राज्य सूची और तीसरी हो जाएगी संवर्ती सूची। तो सूचियाँ आपकी किस में आती हैं, 7 में, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये 7 से निकल के आएगी, इतना भी क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसके विषय। देखिए, केंद्र सूची में आपके 100 विषय होते हैं। अब ये देखिए, केंद्र सूची ये सब है क्या, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो भी नियम बनते हैं वो आपकी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो नियम बनेंगे वो आपकी राज्य सरकार बनाएगी। संवर्ती सूची में जो नियम बनते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। लेकिन अगर किसी भी नियम में कुछ दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार का जो नियम होता है वो मान्य होता है। इसके विषय भी साथ साथ मैंने दे दिए हैं। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये भी साथ साथ लिख लीजिएगा। तो सूचियाँ क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आठवीं अनुसूची की तरफ, जो कि आपकी निकल के आएगी भा से। तो आठवीं अनुसूची जो है आपकी, उसमें जो वर्णन किया गया है वो भाषा का वर्णन है। अब भाषा के बारे में अगर हम लोग समझें तो जब मूल संविधान बना था तब हमारे संविधान में 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान में अगर पूछता है इस टाइम कितनी भाषाएं हैं तो आपकी हो जाएंगी 22। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि 92 संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं और जोड़ी गई हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा 4। अभी 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, तो अब भाषाएं कितनी हैं वर्तमान में, 22। अब देखते हैं अगली अनुसूची जो आपकी निकल के आएगी 7 से। नौवीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं, तो नवीं अनुसूची जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी परिसंपत्तियाँ, जो कि निकल के आई है 7 से। इसमें संपत्तियाँ वर्ड आ रहा है तो ये 7 से रिलेट कर लेंगे हम लोग परिसंपत्तियाँ। तो अब बढ़ते हैं दसवीं अनुसूची की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, और ये आपकी निकल के आएगी बदला से। तो ये दसवीं अनुसूची आपकी हो जाएगी दल बदल से संबंधित।
कोई नेता जब अपना दल बदलता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो वो आपका आता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए, अगर दल बदल की हम लोग बात करें तो ये दल बदल जो आपका है वो 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 52, 52वां संविधान संशोधन है, जो कि आपका सन 1985 में हुआ था। ये जो मैं आपको अलग से जानकारी देता हूँ, ये भी आप लोग साथ ही साथ लिख लिया कीजिए, इससे पता चलता है कि आप लोग लिख रहे हैं या नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं देता हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ लिखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दल बदल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ, जो कि है 11वीं अनुसूची, और ये आपकी निकल के आएगी पंच से। तो 11वीं अनुसूची आपकी हो जाएगी पंचायत के संबंध में। देखिए, अगर पंचायत की हम लोग बात करें तो ये आपका जोड़ा गया था 73, 77वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सन 1993 में इसे जोड़ा गया था। और अगर बात करता है कि आपके पंचायत में विषय कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 18 विषय। ये जानकारी लिखते ज़रूर रहिएगा, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल मिस मत करना। और अब देखते हैं अगली अनुसूची, 12वीं अनुसूची, जो कि आपकी आ जाएगी नगर से। तो आपकी 12वीं और अंतिम अनुसूची जो आ जाती है वह है नगर पालिका से संबंधित। तो और नगर पालिका की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, जो कि आपका हुआ था 1993 में। और अगर बात करता है इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें विषय आपके हो जाएंगे 27। नगर पालिका, याद रखिएगा, ये जो तीन अनुसूचियाँ लास्ट की मैंने बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं। और क्वेश्चन इनसे जो निकलता है वो ये पूछता है कि किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत किस सन में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। नगर पालिका का हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, 27 विषय, क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।